सभी सुंदर साथ को कोट अनकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 126 की 108 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हाकली गुरुगम दीधी नारद जीए, ते लई व्यास घेर आव्या, सार वचन लई ग्रंथ सघलाना, रुदे ते माहे समाविया। नारद मुनि ने अपने गुरुजन सनक, सनंदन, सनातन, सनंत कुमार आदि ऋषि मुनियों से प्राप्त ज्ञान का उपदेश व्यास जी को दिया। उसे सुनकर व्यास जी अपने आश्रम में लौटे और इस उपदेश के आधार पर सभी ग्रंथों का सार हृदयस्थ कर लिया। सार तणो विचार करीने, बांध्या द्वादश स्कंध, त्यारे ठरियो रुदे एणे वचने, मन पाम्यू आनंद। फिर वेद व्यास जी ने सभी ग्रंथों का सार विचार कर 12 स्कंधों में श्रीमद् भागवत की रचना की। तब इन वचनों से व्यास जी का हृदय शांत हुआ तथा वे आनंद विभोर हो गए। उदर सुख जी उपना, अने आही उपनु भागवत, व्यासे वचन कही पृछव्या, ग्रही पृछव्या संत। एक ओर सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तो दूसरी ओर श्रीमद् भागवत की रचना हुई। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत के वचन समझाए, पश्चात सुखदेव जी ने उन्हीं वचनों को ऋषियों में वितरित कर दिया। सारनु सार थयु भागवत, वचन थया ववेक, वली अमृत सींचियु सुखदेवे, तेणे थयु रे वसेक। इस प्रकार श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी द्वारा रचित संपूर्ण शास्त्र पुराणों के विवेकपूर्ण सार वचन स्वरूप हैं, जिसमें सुखदेव जी ने भक्ति रस का अमृत सींचा। इसके कारण यह ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण बन गया। सकल सारनु सार निपनु, सहु को ते मुख थी भाखे, पण वचन भारे विचार न थाए, त्यारे विप्रवाणी पहलानी दाखे। श्रीमद् भागवत को देखकर सभी विद्वानों ने कहा कि इसमें सभी ग्रंथों का सार है, किंतु वे इन गहन वचनों पर विचार नहीं कर सके। इसीलिए ब्राह्मण लोग पहले कहे हुए कर्मकांड का ही विशेष प्रचार करते हैं। सुख जी केरा वचन समझी, जो कोई रुदे विचारो, सात दिवस माहे परीक्षित वैकुंठ, वचने पार उतारियो। सुखदेव जी के वचनों यानी श्रीमद् भागवत पर हृदय पूर्वक विचार करना चाहिए। सुखदेव जी ने इन्हीं वचनों को सुनाकर राजा परीक्षित को 7 दिनों में ही वैकुंठ पहुंचा दिया था। तेज वचन वाचता सांभलता, जाए जमवारो बांध्यो, अर्थ तणी ओलखाण न आवे, प्रेम वचन नव लाध्यो। श्रीमद् भागवत के उन्हीं वचनों का प्रवचन तथा श्रवण करते हुए भी लोग यम पास में बंध जाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत के वचनों का गूढ़ार्थ न समझने के कारण उन्हें प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं होती। अहेनिस अर्थ करे समझावे, केहनो रंग न पलटो थाए, बहेरा ने कालो समझ संभड़ावे, बांध्याते माटे जाए। कथाकार जन दिन रात श्रीमद् भागवत की कथा तो करते रहते हैं, परंतु उनके उपदेशों द्वारा श्रोताओं के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहरे को गूंगा समझा रहा हो वही स्थिति यहाँ भी होती है। इसीलिए
श्रीमद् भागवत सुनकर भी लोग कर्म के बंधनों में बंधे हुए ही चले जाते हैं। आकड़ी कोए न जुए रे उखेड़ी, वचन तना जे ववेक, गुरुगम टाली खबर न पड़े, ए अर्थ भारे छे वसेक। श्रीमद् भागवत के गूढ़ रहस्य पर कोई भी विवेक पूर्वक विचार नहीं करता। सतगुरु के बिना इन गूढ़ रहस्यों की समझ प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इन वचनों में गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। एरे अर्थ बाहे छे अजवालू, जो कोई जो से रे विचारी, रुदिया माहे थासे प्रकाश, ज्यारे जाग से जीव संभारी। श्रीमद् भागवत के इन गूढ़ रहस्यों में ही अखंड दिव्य ज्ञान का प्रकाश समाहित है। यदि कोई इन वचनों पर हृदय पूर्वक विचार करे तो उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा, जिससे वह सचेत होकर अपने जीव को भी जागृत करेगा। जीव जाग्यो त्यारे नथी वस्त वेगली, आत्म पर आत्म जोड़, त्यारे वासो दैने विश्वने, सन्मुख रहसे कर जोड़। आत्म जागृति होने पर अखंड वस्तु उससे दूर नहीं होगी, वह अपनी आत्मा का संबंध पर आत्मा से जोड़ देगा तथा इस संसार से मुख मोड़कर प्रियतम धनी के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। विध सगली समझी वैराटनी, माया कर से सत, स्वामी सेवक था से संजोग, त्यारे उड़ी जा से असत। आत्मा जागृत होते ही तत्क्षण उसे विराट ब्रह्मांड की शुद्धि हो जाएगी एवं इस नश्वर माया में भी सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। तब उसको अपने प्रियतम धनी और आत्मा का शाश्वत संबंध ज्ञात हो जाएगा तथा उसका झूठा अज्ञान स्वतः हट जाएगा। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 126 की 120 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।